हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के बारे में रिव्यू करूँगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने के सही तरीके क्या हैं। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है। 15 ग्राम की पैकिंग में ये हमें मिलती है। तो व्यूअर्स, ये करीम चेहरे से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट के लिए एक बेहतरीन करीम है। इसका रिज़ल्ट बहुत फास्ट है, फौरी इसका रिज़ल्ट मिलता है। बहुत ही लो बजट में हमें ये करीम मिल जाती है और इसके और ये नहीं कि आप इस करीम को एक महीना इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं, ये करीम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही रिज़ल्ट दे देती है। चाहे आपकी छाइयाँ कितनी भी पुरानी है, पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल्स हैं, ये करीम बड़ी तेज़ी से रिमूव करती है। और प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 100 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। बहुत ही इसकी लो प्राइस है और इसके रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे हैं। आपने इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने की बात कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इससे साइड इफ़ेक्ट हो गया है और इसने हमारी स्किन जो है ख़राब कर दी है, हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हाइड्रोक्विन प्लस जो करीम है बहुत तेज़ है। वाकई ही हाइड्रोक्विन प्लस जो करीम है बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इसको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आपको इसके फ़ायदे ही मिलेंगे, आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपने बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वीडियोस को अच्छे तरीके से नहीं देखते, वीडियो पूरी नहीं देखते और अपनी मर्ज़ी से ही करीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। करीम तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल जो है गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं इस करीम से। ऐसा नहीं होता अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें तो। सबसे पहले जिस जगह पर आपको पिगमेंटेशन है, इस जगह पर आपने थोड़ी सी करीम लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। आपने इस करीम का लेप नहीं करना, बिल्कुल आपने चने के दाने के बराबर इसकी क्वांटिटी लेनी है और उसको उसी एरिया पर लगाना है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, आपने सिर्फ उसी एरिया पर लगाना है। आपने पूरे फेस पर इस करीम को अप्लाई नहीं करना, ज़्यादा मसाज भी नहीं करना। आपने हल्के हल्के हाथों से उसको लगाना है और लेप नहीं करना, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा आपने लगाना है इस करीम को। और इसका इस्तेमाल जो है आपने डे में बिल्कुल भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसका इस्तेमाल नाइट में करना है। और ये गलती भी मत करना कि आपने रात को सोने से पहले इसको अप्लाई कर लिया है, ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना, आपने पहले दिन जो है इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही लगाना है, दूसरे दिन आपने फिर 10 मिनट बढ़ा लेने हैं, यानी कि आपने 20 मिनट तक आपने लगाए रखना है। इस तरह आप डेली 10-10 मिनट बढ़ाते जाएँ, जब आपको लगे कि आपके चेहरे को सूट कर रही है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन पहले पहले जो है आपने इसका इस्तेमाल ओवरनाइट के लिए नहीं करना, आपने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए लगाना है और दूसरे दिन फिर आपने 20 मिनट के लिए लगाना है और इस तरह से आपने जो है टाइम बढ़ाते जाना है और फिर इसको आप ओवरनाइट के लिए भी लगा सकते हैं। और आपने इसका इस्तेमाल जो है 10 से 15 दिन ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये एक हफ़्ते के अंदर ही आपकी जो पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट हैं या दाग धब्बे हैं, जितने भी एक्ने की वजह से दाग धब्बे हमारे चेहरे पर पड़ जाते हैं जिनको ये रिमूव करती है, तो आपने 10-15 दिन ही इसका इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसको लगाते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। इसको लगाने से आपकी स्किन रेड भी हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना, और स्किन पर थोड़ा जलन भी होती है। आप इसका डे में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी करेगी, और गलत तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके स्किन पर साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल इसी तरह तरीके आप इसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया करें जिस तरह के आपको वीडियोस में बताया जाता है, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।
और आप जब भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया करें तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई किया करें। इससे जो है आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी स्किन पर, स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगी। और आप बाहर निकलते वक्त, जब आप बाहर निकलें धूप पे या बाहर कहीं भी आउटिंग पे निकलें, तो प्लीज़ सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि इससे जो है हमारी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। सूरज की जो शुआएँ हमारे चेहरे पर पड़ती हैं तो हमारे चेहरे को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती हैं और हमारे चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। चाहे आपकी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व ही क्यों ना हो जाए, तो आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं छोड़ना, सनब्लॉक का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अगर आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगी, सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगी, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। आपने इसको लगाकर हीट के सामने भी नहीं जाना, इससे आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। प्राइस की बात की जाए तो ये 100 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। आजकल तो ये कॉस्मेटिक स्टोर पर भी अवेल है, वहाँ से भी आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।